ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स, खुद को टेस्ट करते रहो। योगेंद्र यादव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप योगेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और बहुत बहुत स्वागत हरियाणा तक पर। पीछे का मैं आपका पूरा माहौल देख रही हूँ, आप अपने गाँव में है इस समय, और जरा आप पूरे सूबे की सियासी तासीर हमें बता दे सर, आपने क्या समझा, क्या जाना इस विधानसभा चुनाव में? जैसा आपने कहा, इस वक्त मैं अपने गांव में हूँ, जिला रेवाड़ी और मतदान क्षेत्र हल्का भी रेवाड़ी है, गांव का नाम है सारणवास। ये वो इलाका है जहाँ पिछले दो चुनावों में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा, 2014 में भी, 2019 में भी। एक तरह से यूं कहिए कि बीजेपी की सरकार अगर बन सकी 2019 में तो इस इलाके की वजह से, और आज इस इलाके में बहुत बड़ा बदलाव दिख रहा है। यानी कि जहां से बीजेपी बच सकती थी वहां भी सब कुछ बीजेपी के खिलाफ जा रहा। ये दक्षिण हरियाणा का इलाका है और दक्षिण हरियाणा में अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग हलकों से लोगों से खबर मैंने ली है, और एक बात स्पष्ट है कि कुल मिलाकर रुझान इस वक्त यहाँ पे फिर ट्रेडिशनली ये इलाका कांग्रेस का हुआ करता था, लेकिन पिछले दो इलेक्शन से बीजेपी की तरफ गया था। इस दक्षिण हरियाणा के इलाके में खबर अब ये है कि बीजेपी एक एक सीट बचाने के लिए लगी हुई है। यहाँ पड़ोस में ही अटेली इलाका है जहाँ केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी आरती खुद चुनाव लग रही है और राव इंद्रजीत की प्रतिष्ठा दांव पे है यहाँ अटेली। और कल शाम तक की खबर ये है कि अटेली में भी उनकी बेटी पीछे चल रही। मैं नहीं कह सकता कि क्या होगा चुनाव में, लेकिन कांटे की टक्कर वहां पे भी है जहां इस इलाके में माना नहीं जाता था कि यहाँ कोई कॉन्टेस्ट हो भी सकता है। जो दक्षिण हरियाणा की मैंने आपको सूरत दिखाई, कुछ वैसा ही बदलाव मुझे खबर आ रही है जीटी रोड, ये जो यमुनानगर अंबाला कालका से शुरू होता है इलाका और अपने दिल्ली के बिल्कुल किनारे राई तक पहुंच जाता है, सोनीपत तक, बिल्कुल जीटी रोड के साथ साथ चलता हुआ इलाका है। यहाँ पर ज्यादा अर्बन इलाका है ये, यहाँ पर भी बीजेपी के खिलाफ पलटने की खबर आ रही है। और ये जो बागी बच गया इलाका, जो मध्य इलाका कहलाता है, वैसे देशवाल बांगड़ बागड़ इलाका बोला जाता है, वहां पे तो बीजेपी लोकसभा चुनाव में ऑलरेडी, तो मैं समझता हूँ जो मैंने पहले भी शायद कहा था कि इस वक्त हरियाणा में या तो कांग्रेस की हवा है या कांग्रेस की आंधी है या कांग्रेस की सुनामी है। अब इन तीनों में से क्या है ये तो आप बताएं। तो हम ये कहें कि बीजेपी की जो खिलाफत का माहौल रहा वो सीधे तौर पर किसी और या फिर किसी अन्य दल के पक्ष में ना जाके सीधा कांग्रेस के पक्ष में गया है जी, क्योंकि अन्य दल दरअसल है नहीं इस बार। पिछली कुछ चुनाव में हरियाणा में, वैसे हरियाणा में आमतौर पे विधानसभा चुनाव में छोटे छोटे दलों का कुछ ना कुछ वोट रहता है। पिछले विधानसभा चुनाव में अगर आप देखो, और अगर आप कांग्रेस और बीजेपी दोनों का वोट जोड़ दो तो मिलके सिर्फ 65% बनता था, यानी कि दो तिहाई, एक तिहाई वोट जो है कांग्रेस और बीजेपी के बाहर गया था पिछली बार। इस बार मुझे माहौल ऐसा नहीं दिख रहा, एक बार बिल्कुल सीधे दोनों की टक्कर, दोनों का वोट मिला के 80% के पार चला जाएगा। आमतौर पर हरियाणा में कहते हैं 15-20 सीट तो दूसरों को मिली जाती, मुझे तो इस बार अन्य को 10 सीट भी आती दिखाई नहीं देती, बाकी सबको जो है। देखिए अन्य में कौन कौन है, जजपा है दुष्यंत चौटाला जी की, जो किसान आंदोलन के चक्कर में इतनी बदनाम हो चुकी है कि खुद दुष्यंत चौटाला के बारे में लोग कह रहे हैं कि वो तीसरे चौथे नंबर पे चल रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो तो रेस से बाहर। उनके साथ जुड़े हैं लखमण, अपने चंद्रशेखर रावण जी, वो एक तरह से डूबते जहाज पे सवारी करने वाला बात। फिर बच जाती है इनेलो और बसपा। इनेलो अभय चौटाला जी की जो पार्टी है, उसकी स्थिति पिछली बार से थोड़ा बेहतर होने की गुंजाइश है। पिछली बार तो एकदम वो खत्म हो गए थे, जजपा आ गई थी, इस बार इनेलो थोड़ा सा बेहतर हो ऐसा महसूस होता है, लेकिन इसमें कोई बहुत बुनियादी बदलाव आए ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा इनेलो की स्थिति में। और खबर यह है कि हाँ ठीक है, 2-3 सीट के ऊपर उनका, क्योंकि उनके अपने परिवार का एक स्ट्रांग होल्ड रहा है सरसा के नजदीक, सरसा एन्नाबाद फतेहाबाद इलाके में रहा है, वहां कुछ सीटों पे उनका असर हो जाए तो हो जाए, बाकी दिखाई नहीं देता है। बसपा उनके सहयोगी है,
बसपा का वोट हरियाणा में हर बार घटा है, इस बार भी शायद घटेगा, फिर बच जाती है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी का बतौर पार्टी वोट नहीं है, कुछ कुछ जगह पे उनके उम्मीदवार हैं जो स्ट्रांग उम्मीदवार हैं, वो इंडिपेंडेंट भी हो सकते थे, तो लगभग आजाद उम्मीदवार हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी की टिकट ली, उनका कुछ जगह ऐसा हो सकता है। तो कुल मिला के कांग्रेस और बीजेपी के बाहर तो कोई भी नहीं, सीधी टक्कर, और सीधी टक्कर में अगर कांग्रेस स्पष्ट रूप से आगे है तो मैं समझता हूँ इस चुनाव के परिणाम के बारे में अब रुचि सिर्फ यही है कि कांग्रेस का बहुमत कैसा होगा, साधारण बहुमत होगा, भारी बहुमत होगा या प्रचंड बहुमत होगा, सिर्फ इसकी रुचि है, ये शायद आज शाम तक स्पष्ट होगा। अच्छा, बीजेपी के दिग्गज, चाहे मैं अनिल विज का जिक्र करूं, चाहे मैं नायब सैनी साहब का जिक्र करूं, चाहे मैं यहाँ पर जिक्र करूं राव इंद्रजीत की बेटी अब आरती राव का, तो इनकी सीट भी जरा फंसी फंसी नजर आ रही है। तो क्या ये अपने अपने क्षेत्र के जो दिग्गज हैं वो अपने लिए भी माहौल नहीं बना पाए? देखिए, जब पूरी पार्टी डूबती है तो साथ में सब तरह बड़े बड़े नेता भी डूबते हैं उसके साथ। अब सबसे पहले तो जिक्र करना चाहिए रामविलास शर्मा जी का, जिन्होंने बीजेपी को हरियाणा में खड़ा किया। इस बार टिकट नहीं मिला उनको महेंद्रगढ़ से, मतलब उतनी बुरी स्थिति थी कि बीजेपी को लगा कि इस आदमी को तो खड़ा करने से ही नुकसान हो जाएगा। राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव, जो कि दो तीन बार कोशिश करने के बाद इस बार राव इंद्रजीत उनको टिकट दिलवा पाए हैं, अपने एक तरह का गढ़ जो होता था अटेली, वहां से चुनाव लड़वा रहे हैं। पिछले दो लोकसभा चुनाव से खुद राव इंद्रजीत वहां से चुनाव नहीं लड़ रहे, तो एक तो उस कारण पकड़ थोड़ी ढीली हुई है, और दूसरा वहां की स्थानीय बीजेपी ने बिल्कुल खुली बगावत कर दी। वहां बीजेपी की बहुत प्रमुख चेहरा रह चुकी संतोष यादव, जो कि विधानसभा की डिप्टी स्पीकर भी रह चुकी है, और उन्होंने और बीजेपी के तमाम जितने दूसरे लोग, उन्होंने एकदम ओपन बगावत कर दी है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का। आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार खुल के कांग्रेस के मंच पे आ गया है, तो उसकी वजह से अब बिल्कुल वोटों का ध्रुवीकरण है। हालांकि वहां बीएसपी का एक कैंडिडेट है जो कि वोट कुछ ले रहा है, उसकी वजह से स्थिति त्रिकोणीय बन सकती है, लेकिन आरती राव संकट में है। यहाँ बैठ के मैं आपको दावा कर दूं कि चुनाव हार रही है, ये गलत होगा, अभी हम जानते नहीं, लेकिन संकट में है, इसमें कोई शक नहीं। अब अनिल विज के बारे में कौन कह सकता था कि अनिल विज अपने अंबाला में संकट में आ सकते हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं, लेकिन आज की खबर है कि वो भी संकट में है। हालांकि त्रिकोणीय लड़ाई का उनको कुछ फायदा हो सकता है वहां पे भी, मगर देखिए एग्जैक्ट उस सीट का क्या होगा अभी हम नहीं कह सकते, मगर अगर अनिल विज की सीट, राव इंद्रजीत की सीट खतरे में है, अगर उसमें लड़ाई है, जीत हार होगी या नहीं होगी हमें पता नहीं है, इसका एक ही मतलब है कि कुल मिला के स्टेट में बीजेपी डूब रही। असर, अगर कांग्रेस का भी जिक्र करें तो यहाँ पे भी हमें जो अभी अभी तक भी जो चर्चाएं चल रही हैं वो चल रही है कि सीएम कौन, कुमारी सैलजा अपना दावा ठोक रही हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपना दावा ठोक रही हैं, रणदीप सुरजेवाला थोड़ी कॉम्प्रोमाइज वाली परिस्थिति में कि उनके बेटे को टिकट मिल गया तो वो हो सके कि एक कदम पीछे भी हट जाए। तो जब इस तरह की जब परिस्थितियां सामने आती है, जो पहले आरोप भी लगा है कांग्रेस पे कि उन्होंने कुमारी सैलजा को दरकिनार कर लिया, अब तो इसे आप फिर किस तरह से देखते हैं? देखिए, कोई नई परिस्थिति नहीं है कांग्रेस के लिए ये, हर बार, और बीजेपी के लिए भी। जैसे बीजेपी में चीफ मिनिस्टर के लिए खूब खींचतान थी, खट्टर जी का जब नाम आया तो सारे लोग हैरान हो गए कि आदमी आया कहाँ से है। तो जो भी कोई बड़ी पार्टी होती है, अगर उसको बड़ी सफलता मिलती है तो जाहिर है कुछ खींचतान होगी। आपको सच बताऊं तो मैं तो हैरान ये हूं कि कांग्रेस में जितनी खींचतान मैंने सोची थी उससे कम हुई। मैंने तो सोचा था खुला घमासान होगा, मैंने सोचा कि इस बार उम्मीद है कांग्रेस की जीतने की, तो मुझे लग रहा था कम से कम 30-40 बागी उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे कांग्रेस। कुल मिला के 20 के करीब हुए हैं, दो चार उसमें से बैठा भी लिए हैं, तो उतना घमासान नहीं हुआ है। और मोटा फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की जीत जितनी बड़ी होगी केंद्रीय नेतृत्व का दबाव उतना ही ज्यादा होगा। अगर कांग्रेस की लीड बहुत कम है तो जाहिर है कांग्रेस अपना जो स्थानीय राज्य का नेतृत्व है माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, उन पर ज्यादा निर्भर कर, लेकिन अगर कांग्रेस का मार्जिन 10 सीट नहीं 15-20 सीट का हो जाता है और ज्यादा हो जाता है, तो केंद्रीय नेतृत्व को थोड़ा सा फ्री हैंड मिल जाएगा। अब इसका नतीजा क्या होगा, इसकी भविष्यवाणी तो आप मुझसे बेहतर कर सकती हैं, क्योंकि 2 करोड़ लोग कैसे मतदान देंगे उसका भविष्यवाणी करना आसान है, लेकिन
20 लोग कैसे व्यवहार करेंगे उसकी भविष्यवाणी बहुत मुश्किल है, वो आप ज्यादा एक्सपर्ट है मेरे से। सर राहुल गांधी यहाँ हरियाणा आते हैं, क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस के लिए उनकी एंट्री के बाद कुछ नया माहौल बना है, कुछ नया चेंज हुआ है? देखिए, पहली और बुनियादी बात तो ये है कि ये चुनाव घोषणा होने से पहले ही इस चुनाव का फैसला हो चुका था, तो बाद में हम किसी व्यक्ति को क्रेडिट दे दें, किसी पार्टी को क्रेडिट दे दें, वो तो ठीक है, हमें समय होता है, बोलना होता है, लेकिन ये उन चुनावों में से है जिसका फैसला चुनाव की घोषणा से पहले हो चुका था, पब्लिक मन बना के बैठे। राहुल गांधी के आने से असर हुआ? हाँ, थोड़ा असर जरूर हुआ है, मैंने देखा, मैं खुद उनके साथ रैली में भी था। अब राहुल गांधी के बारे में जो पॉजिटिविटी मैं देखता हूँ, नवयुवकों में फोटो खिंचवाएंगे, आएंगे, देखेंगे अच्छा कौन है, वहां पे सभा में जो औरतें बैठी जिस तरह से सुन रही थी, वो पहले नहीं हुआ करता था। तो एक राहुल गांधी के पर्सनैलिटी को लेके, राहुल गांधी की लीडरशिप को लेके कुल मिला के एक सकारात्मक माहौल बना जो कि पहले नहीं होता था, और उनके आने से और उनका वायदा करने से, जैसे जिस आखिरी रैली में मैं था उनके साथ, तो उन्होंने कहा कि 2 लाख नौकरियां लगवाएंगे, लेकिन ध्यान से मेरी बात सुनो, 36 बिरादरी को मिलेंगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है इस इलाके के, कि ये इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, ना इलाके का ना जाति का। और आज जनता राहुल गांधी के मुंह से बात सुन के यकीन करने को तैयार। तो राहुल गांधी के आने से जरूर आखिर में कुछ फायदा हुआ है कांग्रेस को, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये चुनाव की विक्ट्री का क्रेडिट किसी एक नेता या पार्टी को जाना चाहिए, सच में पब्लिक को जाना चाहिए। आपको सही बात बताऊं तो इस सरकार के खिलाफ माहौल 5 साल पहले बन गया था, तो एक तरह से बीजेपी की दूसरी सरकार का जन्म जिस दिन हुआ उसी दिन से जनता के मन में इसके खिलाफ गुस्सा शुरू हो गया था, क्योंकि जिस तरह से दुष्यंत चौटाला ने पाला पकड़ पलट के पिछले दरवाजे से एंट्री मारी थी, पब्लिक को शुरू में लगा, तो शुरुआत ही धोखे से किए इन लोगों, तो ये तो 5 साल पहले से माहौल बनना शुरू हो गया था, किसान आंदोलन से ये माहौल और पुष्ट हो गया, और अब मैं समझता हूं और पहलवानों के प्रोटेस्ट के बाद से तो सरकार की साख लोगों के अंदर डूब गई। बाकी सब चीजें फॉर्मेलिटी हैं, उससे ये जरूर तय होगा कि विक्ट्री का मार्जिन कितना। बीजेपी ने अपने लिए माहौल बनाने की कोशिश तो की, हमने देखा नरेंद्र मोदी साहब यहाँ आते हैं, अमित शाह साहब यहाँ पर आते हैं, हमने देखा कि बीजेपी की जो खिलाफत है वो ज्यादा ना हो, इसलिए मनोहर लाल खट्टर के जो पोस्टर्स हैं वो ना तो नायब सैनी साहब के प्रचार प्रसार में नजर आए, ना ही वो किसी बड़ी रैली में नजर आए। तो बीजेपी मार कहाँ खा गई सर, मार कहाँ खा गई? पोस्टर सिर्फ खट्टर जी के ही एब्सेंट नहीं है, मोदी जी का पोस्टर भी नहीं है। आपने ध्यान किया होगा, लोकसभा चुनाव में पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में पोस्टर लगे, बड़े बड़े बैनर लगे थे, खूब बड़ी सारी होर्डिंग की, केसरिया रंग में होती थी, भगवा रंग में, एक फोटो सिर्फ मोदी जी की, और बस एक एक नारा, और भारतीय जनता पार्टी का नाम छोटा सा कोने में कहीं पे लिखा होता था। इस बार की आप बैनर देख लो, इस बार कोई आम आदमी की तस्वीर होती है, कोई नारा होता है, ऊपर छोटा सा मोदी जी का और नायब सैनी का फोटो लगा दिया जाता है, जो थोड़ा दूर से आप देखो तो आपको दिखाई ना देगा। मतलब बीजेपी को समझ आ गया है कि अभी हारना तो है, तो इसका ठीकरा मोदी जी के सर पे ना फोड़ा जाए, हारने का दोष मोदी जी को ना लिया जाए, वो तैयारी चल रही है। और एक वरिष्ठ पत्रकार ने मेरे को कहा, ये तो मोदी बचाओ अभियान चल रहा है। सही बात है, बीजेपी मोदी जी को बचाने के चक्कर में है, मगर बीजेपी ने, देखिए बीजेपी की मैं एक बात के लिए तारीफ करता हूं कि वो कोई भी मैच में वॉक ओवर नहीं देते, आखिर तक लड़ती। तो पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर एक तो बीजेपी ने अपना टिकट देते वक्त सावधानी बरती है, बहुत ऊटपटांग टिकट बीजेपी ने नहीं दिया। दूसरा, बीजेपी ने कैंपेन आखिरी तक, वो जैसे मैंने कहा, अब उनको चाहे आखिरी ओवर में 40 रन बनाने हो, लेकिन बीजेपी वाले बैटिंग करते हैं, कम से कम ये वो बैटिंग कर रहे हैं, और हो सकता है उससे इतना फर्क पड़ जाए कि भाई आंधी की बजाय हवा रह जाए, सुनामी बनने के बजाय आंधी बन के रह जाए, वो सब है। तो उस मार्जिन में बीजेपी ने कुछ फर्क डाला है, और बीजेपी के पास जो आखिरी हथियार है वो हथियार जातिगत ध्रुवीकरण का, क्योंकि हरियाणा में सिर्फ हिंदू मुसलमान करने से तो काम चलता नहीं है, यहाँ तो मुसलमान है ही नहीं, जिस इलाके में बैठा हूँ रेवाड़ी वगैरह, यहाँ तो कोई मुस्लिम समाज है ही नहीं, 1% भी नहीं होगा, 1 से आधा% भी नहीं होगा।
तो फिर यहाँ खेल खेला जाता है 35-1 का, कि भाई जाटों को और गैर जाट को लड़ा। लेकिन अब ये भी कार्ड नहीं चलता, जैसा मैंने पिछली रैली में मैंने भी कहा कि अब जनता को समझ आने लग गया है कि अच्छा, हरियाणा के अंदर आप जाटों के खिलाफ सबको बढ़ा रहे हैं, एक घृणा फैला रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में यही काम यादवों के खिलाफ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से खुल्लम खुल्ला बीजेपी ने यादवों के खिलाफ ना का प्रचार किया, अब जनता को वो तो दिख रहा है ना। और ऊपर से योगी आदित्यनाथ यहाँ आके वोट मांगते हैं, तो इतना पागल समझ रखा है क्या जनता को? अब थोड़े दिन पहले सर एक जो मुद्दा गरमाया हुआ था वो गरमाया हुआ था दलित वोटरों को लेकर। ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस अब इन वोटरों की हम कहें कि इन वोटरों का सम्मान नहीं कर रही। वो इसलिए क्योंकि कुमारी सैलजा पर एक टिप्पणी बड़ी वायरल हो गई थी। अब उसको लेकर भी हमने देखा कि राहुल गांधी पूरा डैमेज कंट्रोल करते हुए दिखे। तो इस चुनाव में जो मैंने समझा वो ये समझा कि दलित राजनीति जिस तरह से उभर के आई है शायद वो इससे पहले उभर के इस तरह से तो नहीं आई कि पार्टी के तमाम शीर्ष नेता तमाम मंचों से जिक्र कर रहे हैं उस वोट बैंक का। अब उनके लाभ की बात कर रहे हैं, उनकी हानि की बात कर रहे हैं, उनके सम्मान की बात कर रहे हैं, उनकी समानता की बात कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, हरियाणा में अगर 24-25% जाट है तो अंदाजन 20% दलित भी है, तो भाई उस समाज की बात होनी चाहिए ना। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि शैलजा जी के बारे में वहां जो एक वाकया जिसको मीडिया में दिखाया गया, वो बेहद बदतमीजी की चीज थी। उस पर माफी मांगी गई और केंद्रीय नेतृत्व तो उस बारे में सजग हुआ। ये सब तो बहुत अच्छे संकेत है कि हाँ, आप उस आवाज को दबा नहीं सकते, अब उस आवाज का आपको सम्मान करना पड़ेगा। देखिए, एक है कांग्रेस के धड़ेबाजी का मामला, उसके बारे में ज्यादा कहने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा है सभी समाज के लोगों को सम्मान देने का वाक्य, वो बहुत महत्वपूर्ण। और उस वाकये के बाद, उस घटना के बाद से कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने और राज्य नेतृत्व ने भी इस बात का लगातार ध्यान रखा कि दलित मुद्दे, दलित आवाज, उसका सम्मान किया जाए। और उम्मीद करनी चाहिए कि जब कांग्रेस की सरकार बन जाए तब भी वो ये काम करेंगे, क्योंकि वहीं पे असली इम्तिहान होगा, सरकार बनने के बाद आप कितना सम्मान करते। लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ कि हरियाणा में इस चुनाव में दलित की आवाज उभरी, और वो सिर्फ बीएसपी के सहारे नहीं, क्योंकि बीएसपी यहाँ घटती हुई फोर्स है, बीएसपी का वोट गिर रहा है, चंद्रशेखर रावण अपनी कोई खास जगह नहीं बना पा रहे। लेकिन ये पुराना कांग्रेस का वोट था जिसमें बीजेपी ने सेंध मारी, लेकिन अब कांग्रेस उस वोट को दोबारा हासिल कर रही है और करने की कोशिश कर रही है। ये बहुत ही सकारात्मक संकेत। सर कांग्रेस की जो बढ़त फिलहाल हम देख रहे हैं या फिर ये कहें कांग्रेस के लिए जो माहौल हम देख रहे हैं अब उसमें हम ये मानेंगे कि ये जो चुनाव है ये जनता वर्सेस कैंडिडेट के बीच का चुनाव, जैसे लोकसभा चुनाव के भी जो पब्लिक सेंटिमेंट्स थे इसमें हम किसी भी नेता को क्या क्रेडिट दे सकते हैं? क्योंकि हमने देखा कि भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा अपने समर्थकों के लिए रैली करते दिखे, कुमारी सैलजा भी अपने समर्थकों के लिए रैली करती दिखी। स्टेट लीडरशिप के बाद कितनी आप देखिए सितंबर जब जाने वाला था तब राहुल गांधी प्रियंका गांधी तब हरियाणा आते हैं। देखिए, क्रेडिट तो मिलेगा, क्रेडिट हुडा जी को भी मिलना चाहिए इस बात का कि 10 साल तक जब कांग्रेस सत्ता के बाहर थी तो उन्होंने कांग्रेस को बांधे रखा, कांग्रेस की तरफ से खूंटा गाड़ के रहे यहाँ पे। क्रेडिट कांग्रेस के तमाम दूसरे नेताओं को भी मिलेगा, क्रेडिट शैलजा जी को भी मिलेगा कि उन्होंने दलित समाज के साथ अपना रिश्ता बना के रखा। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा, ये चुनाव ऐसा था जिसमें मेरे विचार से पब्लिक ने पहले से मन बना लिया था, तो 80% कॉन्ट्रीब्यूशन पब्लिक का है, बाकी 20% में सारे पार्टियां, नेता सब उसके अंदर शामिल हो जाते हैं। सच बात यह है कि आज 1.5 साल पहले अगर आप पूछ लेते हरियाणा में, तो लोगों को 1.5 साल पहले पता था कि जब तो बीजेपी गई, तो वो माहौल पहले था। बाकी सबने अपना अपना छोटा छोटा योगदान किया, सबको ही श्रेय मिलना चाहिए। लेकिन हम ये मान लें कि बीजेपी के लिए बड़ा टफ कंपटीशन अब की बार बड़ा टफ चुनाव सर ये। हाँ, अब तो था कहना चाहिए, देखिए आधा चुनाव आधे वोट गए होंगे, अब तक शाम तक हो जाएगा। इस बार अच्छा एग्जिट पोल दिखाइयो, है इस बार एग्जिट पोल से दिखा। ठीक अब आप टिप्पणी तो कर रहे हैं सर, अब आप अपना एग्जिट पोल अगर बताना चाहें। ना जी जी मेरा कोई ना एग्जिट पोल, मेरे को तो मजबूरी में करना पड़ा क्योंकि आपकी चैनल समेत सारी चैनलें झूठ बोल रही थी पिछली बार। मतलब आपके न्यूज तक को मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये देश की जो टीवी बड़े बड़े हैं सारे, आपके समुदाय, आपके समूह वाले भी,
सब मिलके इस देश को गुमराह करने पे लगे हुए। तो फिर मेरे जैसे आदमी की मजबूरी बन गई कि भाई मैं पुराना चोगा पहन के भविष्यवाणी करूं। इस बार कम से कम कोई चैनल ये ना बोल रही कि बीजेपी की आंधी चल रही है, बीजेपी 75 पार, कम से कम इतना झूठ नहीं बोल रहे। जब इतना ना बोल रहे तो मेरे जैसे की क्या जरूरत है, शाम तक आप ही पूरा सच बता। लेकिन लेकिन यहाँ से क्या हम ये भी परिस्थिति माने कि अब 72 सीटें रही जिनको ये माना गया कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने दिलवाई हैं अपने समर्थकों को या उनके खेमे वाले व्यक्तियों को या फिर उन चेहरों को कि जिनको चाहते थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उनको टिकट मिले, लेकिन यहाँ से क्या क्या सीधे सीधे साफ तौर पे ये संकेत मिल गया है कि आने वाले मुख्यमंत्री अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं होते हैं तो कुछ भी हो सकता है कांग्रेस के भीतर भी? क्या भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस की जरूरत है फिलहाल? जी, ये सवाल आपको कांग्रेस के किसी नेता से करने चाहिए। आप जरूर कांग्रेस का भी इंटरव्यू करेंगे तब आप ये सवाल पूछते हो। मैं इसका क्या जवाब दूं, मैं तो कांग्रेस में हूं नहीं, मैं तो उनके विरोध में पहले भी रहा हूं, जरूरत हो तो कल फिर होऊंगा। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए, खुल के हमने पोजिशन ली है, तो मैं तो इतना ही कह सकता हूँ। बाकी कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये खेल वो तय कर लेंगे। तो जो मुख्य मुद्दा रहा उसको हम ये कहें कि खेती किसानी संविधान पहलवान, ये पूरे मुद्दे रहे जिन पर बीजेपी को इतना डंट अभी पड़ते हम देख सकते हैं। सही बात है, किसान, जवान, पहलवान, इन तीनों ने चुनाव शुरू होने से पहले बीजेपी को चित कर दिया था। बाकी चुनाव तो फॉर्मेलिटी रहा है मेरे विचार से, और उसके ऊपर से ये तमाम और मुद्दे रहे, ये जो फैमिली आईडी कार्ड से दुनिया परेशान है, जनरल बेरोजगारी समस्या है, वो है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, अब तो लॉ एंड ऑर्डर भी खराब हो गया है। तो लोग कहते हैं लो ये भी समस्या, तो जब चीजें खराब होनी शुरू होती है तो सब कुछ चीजें खराब हो जाती है, वैसी स्थिति है इसको। तो यानी हम ये कहें कि एक बिल्कुल बीजेपी के लिए कंट्रोल से बाहर की परिस्थिति वाला चुनाव है। जी, इनके हाथ से निकल चुका था ये, इनको पहले दिन से पता था, इसलिए प्रधानमंत्री की रैलियां भी बहुत कम करवाई है। देखो ना, पिछली दो बार देखना प्रधानमंत्री की कितनी रैलियां हुई थी हरियाणा में, इस बार जब बीजेपी को जरूरत है तब उनकी रैली नहीं हो रही है। पोस्टर से प्रधानमंत्री गायब है, होर्डिंग से प्रधानमंत्री गायब है, मतलब बीजेपी को पता लग गया है कि भाई ये मामला तो हाथ से निकल गया। और अगर आप मान लें सर कि अगर हरियाणा से बीजेपी बाहर होती है तो तमाम जो प्रोटेस्ट होते हैं वो होते हैं दिल्ली में, अब गुरुग्राम हो गया, दक्षिण हरियाणा हो गया, इसमें भी बीजेपी का अच्छा खासा होल्ड है, तो फिर यहाँ फिर हम ये क्या माने कि अब हरियाणा के बाशिंदों का दिल्ली में प्रोटेस्ट करना, प्रदर्शन करना वो भी बड़ा आसान सा हो जाएगा? देखो जी, प्रोटेस्ट और प्रदर्शन किसी सरकार के सहारे तो होते नहीं है, और सरकार ज्यादा सहारा दे दे तो प्रोटेस्ट प्रदर्शन खराब हो जाते हैं। तो जो कुछ हो, देखिए सहारा, जो आंदोलन सरकार के कंधे पे कभी नहीं होता, आंदोलन तो जनता के कंधे पे होता है और सरकार के खिलाफ होता है। तो ऐसा तो कोई ना कि कांग्रेस की सरकार बन गई तो कोई आंदोलन आसान हो जाएगा। आंदोलन जितना मुश्किल होता है उतना ही अच्छा, तो वो तो आंदोलन का मामला बिल्कुल अलग है। और वो कल बीजेपी के खिलाफ थे, कांग्रेस की सरकार बन जाएगी जरूरत हो तो उसके खिलाफ भी। तो कल को अगर कांग्रेस की सरकार बन गई सर तो आप कांग्रेस के भी खिलाफ ऐसे ही रहेंगे जैसे बीजेपी के खिलाफ हैं? अगर गलत काम करेंगे तो रहेंगे, कोई कसम थोड़ी खा रखी है कि विरोध करना। बीजेपी ने काम गलत किए, बीजेपी ने झूठ की सरकार चलाई, लूट की सरकार चलाई, फूट डाली, तो इसका विरोध करें। कल को कांग्रेस अगर ऐसा काम करेगी तो विरोध करना पड़ेगा, नहीं तो क्यों करेंगे भाई। विरोध अच्छी बात है, अच्छी सरकार चलाओ, जनता की सेवा करो, वोट लो, चलो क्या दिक्कत। सर ये मेरा आखिरी सवाल, कांग्रेस की हवा, कांग्रेस की आंधी, कांग्रेस की सुनामी, ये जो तीन परिस्थितियां हम देख रहे हैं इन तीनों परिस्थितियों के हिसाब से अब सीट बता दे कितनी 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 आ सकती अरे वो तो कॉमन सेंस है ना जी, देखो अगर है? हुई हवा तो कांग्रेस को आएगी 50-55 सीट, अगर हुई 50-55 आंधी तो आएगी 60-65, अगर हुई साठ पैंसठ सुनामी तो हो जाएगी 70 पार। अब थोड़ा काम पत्रकारों के लिए भी छोड़े ना, आप बताओ इन तीनों में से कौन सा होगा, अब आप भी बताइए। ये तो हम तो सांझ तक बता पाएंगे सर, क्योंकि हम तो मैं सांझ तक इंतजार करूं।